हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ है अरविंद राय सर। सर, एक 100 के अंदर रैंक लाना है और AIR 1 भी लाना है मेरे को अगले साल गेट में। मेरे को क्या, हमारे बहुत सारे मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल में भाई लोग हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 लाना है। सर कुछ तो सजेशन, मतलब यहाँ से कुछ तो जाना बनता है, नॉलेज वगैरह, तो कैसे ला सकते हैं सर ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 हम? ऑल इंडिया रैंक 1 आपको चाहिए, यस सर, ठीक है? मेरे को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, यस सर, और यहाँ पे 2 लाख लोग जो बैठे हैं ना, हाँ सर, वो सबको ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए। अब मेरे को ये बताओ कि ऑल इंडिया रैंक 1 तो एक ही है ना भाई, हाँ सर, हाउ गुड एवरीबॉडी विल गेट द ऑल इंडिया रैंक 1? यार देखो, आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपसे होना चाहिए। यस आपको सर, अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये आपको सोचना है। हाँ सर, ये जो फेक वीडियोस बनते हैं कि हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1, हाँ सर, मुझे ये बताओ यार, ऑल इंडिया रैंक 1 तुम्हारा वीडियो हाँ सर, 2 लाख लोग देख रहे हैं हाँ और सर, तुम्हारे ज्ञान से क्या सबकी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी? मतलब कितना फेक है, सर वो तो है सर, कितना फेक है। ऑल इंडिया रैंक 1 तो उसकी आनी है हाँ जिसकी सर, आनी। देयर आर समथिंग विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। यस सर, मेरे कंट्रोल में जो है, मेरे को सिर्फ उस पर बात करना है। मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं अपने परफॉर्मेंस को कैसे कैसे इम्प्रूव कर इम्प्रूव सकता करूं। हूँ? तो हाँ ये सर, क्वेश्चन अगर आप मेरे से पूछोगे तो हाँ सर, फिर शायद मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। आप मेरे यस से सर, पूछोगे हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1, हाँ हाँ सर, तो यार बॉस, वो ज्ञान तो मैं आपको भी दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, हाँ सर, फिर तो सबकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती है। ये तो बेसिक पॉइंट बोलता है कि सबकी ऑल इंडिया रैंक 1 तो नहीं आ हो सकती, नहीं सकती। व्हाट वी कैन डू, वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। यस सर, और ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 100, वो सब सेकेंडरी होता है बॉस। प्राइमरी ये होता है कि जब आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हो, आपको खुद को लगना चाहिए कि यार मेरा बेस्ट एफर्ट गया आया है, है। हाँ और फिर कहाँ कमी रही, वो कमी को अपने को दूर करने का, जी सर, अपनी परफॉर्मेंस मेरे को इम्प्रूव करनी है। ऑल इंडिया रैंक 1 आना या ना हाँ सर, आना, हाँ सर, ये एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपका नॉलेज लेवल मुझसे ज़्यादा हो हाँ सर, या मेरा नॉलेज लेवल आपसे ज़्यादा हो, पर ऑल इंडिया रैंक 1 किसकी आएगी, ये सिर्फ नॉलेज लेवल पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 100 कैसे चाहिए, यस अगर आप सर, मेरे से ये वीडियो पूछोगे हाँ तो आई डोंट, क्योंकि मेरी क्लास में खुद 400 बच्चे पढ़ते हैं, यस सर, तो मैं तो फिर उन्हीं को बोलता कि हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 100, सबकी 100 रैंक आ जाती। हाँ हाँ सर, मैं सिर्फ एक चीज़ बोल सकता हूँ, हाउ टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। यस सर, उस पर अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो आई वुड बी मोर कंफर्टेबल टू यस आंसर सर, दैट। अच्छा सर, आज 4 तारीख हो गई है, मतलब कुल मिलाकर 4 महीने हैं, तो अब इसी क्वेश्चन को मैं आपसे फिर से घुमा के ना दूसरे तरीके से पूछूंगा, तीर दागूंगा, कि 4 महीने में हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं उसको अल्टीमेटली हम अचीव कर सके? 4 महीने का समय सफिशियंट है, कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। यस सर, अब जब आप 4 महीने के समय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे। एक वो होंगे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, वो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं। यस सर, तो जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि अभी आपको उसी तरीके से कंटिन्यूस प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज करनी है। आखिरी के 2 महीने में क्या करना है उसके लिए फिर से अपन एक बार स्टेज शेयर करेंगे और फिर अपन डिस्कस करेंगे कि लास्ट मंथ, क्योंकि अभी जो बंदे सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं वो गेट की यस सर, तैयारी नहीं कर रहे हैं, यस सर, वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ अभी तो वही हाँ, चल रहा है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और आखिरी यस में तो सर, अपने को गेट की तैयारी करनी है। तो यस फिर सर, आखिरी में अपन डिस्कस करेंगे हाँ सर, कि भैया अभी आखिरी टाइम आ गया, हाँ सर, अब आप जिस भी ब्रांच के हो, जिस भी स्ट्रीम के हो, हाँ अगर सर, मैकेनिकल के हो तो अभी आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होगे, मॉस पढ़ रहे होगे, थर्मो पढ़ रहे होगे। यस सर, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ रहे होगे, आप एनालॉग पढ़ रहे होगे, हाँ सर, अपना इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ रहे पढ़ होगे। रहे, तो अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं तो हाँ आप सर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की ही प्रिपरेशन करिए। हाँ सर, अभी आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, December 1st week में अपन एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उस समय फिर अपन बोलेंगे कि ये सारे सब्जेक्ट हाँ जो हम कर चुके हैं सर, अब ये तो हो गया, हाँ अब गेट सर, की तैयारी कैसे करनी है। एक कॉमन जो प्रॉब्लम होती है बच्चों की, वो हाँ हाँ सर, प्रॉब्लम ये होती है कि यदि आपने मॉस पढ़ रहा है, आप हाँ मॉस पढ़ रहे हो,
तब तो मॉस के सारे क्वेश्चन कट गए। हाँ, उस समय तो बनेंगे सर बहुत अच्छे से। मॉस के बाद फिर आप एफएम पढ़ते हो। यस सर। तो एफएम के सारे क्वेश्चन खट खट बन जाते हैं। यस, उस टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं सब्जेक्ट के टेस्ट में। लेकिन आप थर्मल पढ़ते हो, थर्मल के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। यस सर। लेकिन मॉस पढ़ के, एफएम पढ़ के, थर्मल पढ़ के जब वापस आप मॉस निकालते हो, यस सर, देन यू आर वरीड, यार ये मॉस का क्वेश्चन तो बनाया था, ये अब बन नहीं रहे, तो ये कोई समस्या का विषय नहीं है। इसके लिए क्या करना है ये मैं आपको, जो बच्चे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बोलता हूँ कि इसके लिए क्या करना है, ये अपन दो महीने के बाद, दो महीने पहले गेट से पहले अपन डिस्कस करेंगे कि भैया आप कैसे करना है। और ये आप बिल्कुल इसको समस्या लेके मत चलो कि मैं मॉस किया तो मॉस बन रहा था, एफएम किया तो एफएम बन रहा था, थर्मो किया तो थर्मो बन रहा था, अब मॉस नहीं बन रहा। ये सारी प्रॉब्लम्स मैं आपकी रिमूव कर दूंगा, मैं आऊंगा वापस और मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा। इसके लिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल बोलता हूँ ना कि 10 साल हो गया मेरे को, मैं स्कूटी नहीं चलाता। हाँ सर। अभी ना डर लगता है यार, स्कूटी कार तो ठीक है, चलो ड्राइव हो जाएगी, 4 पहिए पे लगी है, हाँ, ये तो 2 पहिए पे है, पर जब आप स्कूटी पे बैठ जाते हो ना, हाँ, हाँ, सर, तो शुरू में तो थोड़ी देर हाथ पर ऐसा ऐसा होता है, थोड़ी देर मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शुरू में ऐसा ऐसा हिलता है, कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन आप चलाना शुरू कर देते हो तो फिर आप कंफर्टेबल जाते हो। तो वही चीज है कि आपने मॉस अगर पहले पढ़ा है तो आप मॉस भूले नहीं। हाँ, अगर आपने फॉर्मूले मांगे होंगे तो मैं उसको पढ़ाई मानता नहीं हूँ, क्योंकि गेट इज नॉट फॉर द एग्जाम ऑफ द फॉर्मूलाज। ये तो सही बात है सर। तो अगर फॉर्मूले मांगे होंगे तो आप सब कुछ भूल गए होंगे, हाँ, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, आपने अच्छी बुक्स पढ़ी है, हाँ, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मॉस निकाल के पढ़ोगे तो इनिशियली आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, और ये यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर आपको करना चाहता हूँ, हाँ, कि यदि आपने सिर्फ मॉस को फॉर्मूला बेस्ड याद किया है, हाँ, हाँ, सर, तो भाई आप मॉस भूल चुके हो, फिर आपको मॉस के बारे में अब कुछ भी पता नहीं होगा। क्योंकि जब आप वर्ड्स याद करते हो, मैंने भी बचपन में कॉलेज में था तो सर, वो बेंडिंग इक्वेशन और टॉर्शन इक्वेशन में लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रट्टा मारते हैं, रट्टा में मतलब बताते रहो ना, रट्टा मारते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग कॉलेज में थे तो सबने बोला यार चलो यार वो कैब इम्प्रूव करना है, डेली 10 वर्ड याद करेंगे। हाँ सर। डेली 10 वर्ड याद करते थे, जो चीज आप मगते हो आपका दिमाग उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। यस सर। तो 10 वर्ड 30 दिन तक याद किए, तो बोलो कितने वर्ड मेरे को याद हो जाने चाहिए, 300 वर्ड। यस सर। और 30 दिन के बाद जब जाके मैंने देखा तो मुझे 5 वर्ड भी, 5 नहीं कहूँ तो 10 वर्ड भी ढंग से याद नहीं थे। फिर वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी, उसमें मेरे को कॉन्सेप्ट लगा कि यार यूज करो। हाँ सर। जो वर्ड आप याद करते हो उसको सेंटेंस में लेके आओ। यस सर। और जब वो शुरू किया तो फिर मेरी वोकैबुलरी, खैर मैं हिंदी मीडियम का हूँ, हाँ सर, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ठीक ठाक है। और काफी इंग्लिश मीडियम वाले बंदों से जिन्हें GRE की बैरेंस की बुक मांगी है, हाँ, उनके कंपेरिजन में भी मेरी वोकैबुलरी ठीक ठाक सी है। आई एम नॉट सेइंग कि गुड, हाँ सर, क्योंकि बेसिकली अपन हिंदी मीडियम पढ़े हैं तो एकदम हिंदी भाषी रहे हैं, अंग्रेजी शब्द से तो डर लग जाता था। यस सर। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने यूज करना शुरू किया, शुरू में यूज करने में ना डर बहुत, घबराहट बहुत लगता है, डर लगता है, घबराहट लगती है, लेकिन एक बार आप करने लगोगे ना, हाँ सर, तो वो हो जाता है। जैसे मैं बताऊँ कि मेरी इंग्लिश थोड़ी अगर इम्प्रूव हुई, ये रिलेटेड है, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं कर रहा, हाँ सर, मैं बोलूँ कैसे होता है। शुरू में जब मैं भिलाई में था, मैं इंदौर में था, हाँ सर, तो लगता था कि इंग्लिश में बात करेंगे, हाँ सर, लेकिन वो डर कैसे बात करेंगे। हाँ। जब IIT खड़गपुर गए, वहां पे साउथ इंडियन बंदे थे, हाँ सर, तो वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। यस सर। वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। तो सर तेलुगु सीखो या इंग्लिश में बात करो, आप तेलुगु तो सीख ही सकते हैं। यस। आप इंग्लिश में बात करते हो। यस सर। और फिर बात करते करते ठीक ठाक हो गई इंग्लिश, फिर जाके बेंगलोर में 2 साल में रहा, हाँ, और इम्प्रूव हुई, वापस भिलाई आ गया, हाँ, फिर खराब हो गई। अब खराब हो गई, खराब हुई नहीं है, अब अपने को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इंग्लिश में बात करने की। यस सर। पर अभी भी कोई फॉरेनर आ जाए, हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश अपन पढ़े थे, याद किए थे, वो एकदम वैनिश हो गए। हाँ हाँ सर। अभी भी कोई फॉरेनर आ जाए तो वी कैन टॉक इन इंग्लिश, राइट, वो अपने आप निकल जाएगा। अभी आपके साथ बैठूंगा तो नहीं कर पाऊंगा बात। नहीं सर, ये आपने बहुत अच्छी एक पॉइंट बोला कि ये वाला जो क्वेश्चंस का ये जो बात, मतलब फॉर्मूले को मगअप करने वाला जो आपने बात बोला ना, इससे ना एक चीज मैं बहुत सुना हूँ, ये मैं अपनी तरफ से मतलब कुछ बोलना चाहता हूँ,
कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर लोग को जिस तरह दवाइयों के नाम याद रहते हैं, उसी बीमारियों के नाम याद, उसी तरह इंजीनियर को फॉर्मूला ऐसे मतलब कोई बोले और ऐसे निकलना चाहिए। तो क्या इसमें के लिए मगप की कॉन्सेप्ट रटना है, कॉन्सेप्ट लेना है? देखो, और क्या ये बात सही है, क्या इंजीनियर को दो अलग अलग प्रोफेशन है? हाँ सर, राइट, आपने कहा, मैं सही में आई एम सरप्राइज कि वो डॉक्टर कैसे मगप कर लेते हैं। यस सर, जो मगप करते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो पढ़ने में कमजोर होते हैं वो इंजीनियर बनते हैं, जो मगप करने में होशियार रहते हैं वो तो डॉक्टर बन ही जाते हैं। यस सर, तो थोड़े कमजोर रह जाते हैं ना, हाँ सर, वही इंजीनियर बन जाते हैं। और नॉर्मल इंजीनियर को मैं नहीं देखा हूँ, हाँ, क्योंकि मेमोरी पावर इतनी शार्प हो, हाँ सर, कि वो सारे फॉर्मूले, यस सर, मग लें और मग के गेट निकालें। अब आप बोले कि फॉर्मूला जुबान पे होना चाहिए, हाँ सर, वो चार्ट बना के याद करने से नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करो। यस सर, जैसे मैंने इंग्लिश की बात बोली ना, कि आप कितने भी वर्ड लिख लो और उसको याद करो आप भूल जाओगे। हाँ सर, जो आप फॉर्मूले की बात करो, आप एक फॉर्मूले पे दो क्वेश्चन बनाओ, तीन क्वेश्चन बनाओ, यस सर, आपको अननेसेसरी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ सर, वो फॉर्मूला आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा, उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता, अननेसेसरी जो फॉर्मूला मगअप कर रहे हो, हाँ सर, बिना समझे फॉर्मूला मगअप कर लिया, तो फॉर्मूला मगअप भी कर लिया, हाँ और उसका यूज भी नहीं पता है, तो अननेसेसरी दिमाग, दिमाग क्या है, एक मेमोरी डिवाइस है ना। हाँ सर, अपने कंप्यूटर में ज्यादा डेटा भरोगे तो कंप्यूटर स्लो होता है, यस सर, मोबाइल स्लो होता है, तो अननेसेसरी डेटा भरोगे, हाँ सर, तो दिमाग भी स्लो होगा। तो आप प्रैक्टिस करो, हाँ वही मैं बोला कि गेट इज द एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम, आप जितनी कोशिश करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला, आज मेरे से पूछो तो मेरी मेमोरी सबसे कमजोर है, पर गेट से रिलेवेंट कोई भी फॉर्मूला, सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं थ्योरी ऑफ मशीन में, वाइब्रेशन में, राइट, अभी आप मेरे से पूछ लो फॉर्मूला, अभी आप मेरे से पूछ लो, मैंने कोई फॉर्मूला मगअप नहीं किया। हाँ हाँ सर, अननेसेसरी का कोई फॉर्मूला पूछेगा उसका कोई यूज नहीं है, हाँ, मैं बोलूंगा भाई कहाँ से आया नहीं जानता मैं, हाँ, लेकिन जो काम का फॉर्मूला है ऑटोमेटिकली हाँ, मेरे दिमाग में फीड है। हाँ सर, मैं थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाने जाता हूँ तो डर लगता है मेरे कई बार, यार इतना सारा फॉर्मूला कहीं भूल तो ना जाऊं। हाँ सर, पर वो अपनी आदत है, थोड़ी अक्खड़ बिहेवियर, जाके क्लास में टेस्ट करते हैं याद है कि नहीं याद है, और जब हम जाते हैं क्लास में लिखना शुरू करते हैं तो कोई फॉर्मूला भूलते नहीं है, वो सारे फॉर्मूले लिखा जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो इम्पोर्टेंट डेटा है आप प्रैक्टिस करोगे तो वो स्टोर। सर एक और तरीका है फॉर्मूला मतलब करने का मेरे हिसाब से, वो ये है कि हर फॉर्मूले का एक डेरिवेशन होता है, मतलब अगर आप उस फॉर्मूले का डेरिवेशन स्टार्टिंग से जो फॉर्मूला बनाया है उसको, उसकी बातों को समझते हुए उस फॉर्मूले तक पहुंच गए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। हाँ सर, क्योंकि अगर हम देखें ना तो वो आप जो कह रहे हो, हाँ सर, कि फॉर्मूले के डेरिवेशन से हम आए और फॉर्मूले पे पहुंचे, हाँ सर, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है, चल रहा है तुम्हारे? हाँ सर चल रहा है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है, हाँ कि बहुत सारे फॉर्मूले जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं वो बेसिक साइंस है, हाँ सर, और बेसिक मैथमेटिक्स से डिराइव, वो तो बिल्कुल सर, राइट, हाँ, तो अननेसेसरी आप बेसिक इंजीनियरिंग छोड़ के, हाँ सर, बेसिक साइंस पे मत जाओ। जैसे एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, आप उसको डिराइव कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है तो पास्कल्स लॉ क्लियरली डिराइव कर सकते हो, यस सर, पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इफ अ बॉडी, सॉरी, अगर एक फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है तो उसके हर पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगेगा, यस सर, अब इसका डेरिवेशन आप देखोगे ना तो आप डिराइव कर सकते हो, yes, और उसके लिए आपको कोई इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, 11 12 का बेसिक मैथमेटिक्स से थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है तो डिराइव कर लोगे, yes, पर डेरिवेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में, आपको क्या पता होना चाहिए, फ्लूइड मस्ट बी इन द स्टैटिक कंडीशन, इट इज नॉट फ्लोइंग, यस सर, आप डिराइव तो कर लिए, mm-hmm. वो फॉर्मूला और ये सब फला ठीक आपने कर लिया, आपने डिराइव तो कर लिया, बिहाइंड द सीन अजम्पशंस क्या है उसके पीछे, बिहाइंड द सीन अजम्पशन क्या है, तो फॉर्मूला डिराइव करने की जगह, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो फॉर्मूला आप डिराइव कर रहे हो वो आपको इंजीनियरिंग की तरफ नहीं ले जा रहा, हाँ सर, वो आपको ले जा रहा है बेसिक मैथमेटिक्स में, जिसकी आपको आवश्यकता 15 नंबर का मैथ्स का क्वेश्चन आएगा उसके लिए पड़ेगी, यस सर, बेसिक साइंस में ले जा रहा है, हाँ सर, तो सारे फॉर्मूले अपने को डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जो फॉर्मूले होते हैं वो एक्चुअली फॉर्मूले होते ही नहीं है। अच्छा सर, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि आप मेरे से, बच्चों से मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द हीट ट्रांसफर इन आइसोबारिक प्रोसेस, यस सर, सीपी T1 - T2,
फॉर्मूला तो मंगा हुआ है, इतना मेहनत करके इतना फॉर्मूला मंगा, पर बेटा गलत मंगा, पूरी कंडीशन तुमने समझी नहीं। यस सर। सीपी टी वन माइनस टी टू इज द हीट ट्रांसफर इन द आइसोबारिक प्रोसेस। यस सर। व्हेन द सब्सटेंस इज द आइडियल गैस। यस सर। If it is not ideal gas, sir. The formula is not CP T1 minus T2. Formula तो आप मांग लिए। हाँ सर। जितने formula आप मांगते हो उस formula के साथ में उसकी conditions हाँ, भी पता होनी चाहिए। तो आप सोचो कितने सारे formula, ये कोई formula है ही नहीं। अगर मेरे को निकालना है heat transfer in the isothermal isobaric process, तो बस वही basic सा एक formula। इसको मैं यही कहता हूँ कि why we need a teacher। हाँ सर। क्योंकि teacher हमको सही direction में guide कर देता है, वो हमको ये सब formula नहीं बताता। हाँ सर। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा भैया हीट ट्रांसफर निकालना है, मैं पूछूंगा सिस्टम कौन सा भाई, क्लोज सिस्टम है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी भी लगा दे। अभी थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगा, मैं हाँ, ज्यादा नहीं जाना था। यस सर। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि देर आर, अगर मैं ट्रूली बात करूं तो कुल मिला के मैकेनिकल इंजीनियर को 50 फॉर्मूले मैक्सिमम हाँ सर, जो बेसिक है वो याद होने चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि वो 50 फॉर्मूले को छोड़ के हम बाकी सब कुछ याद कर लेते हैं। वो 50 फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको हाँ छोड़ के बाकी हाँ वो कुर्मी किताब निकाल के ये निकाल के हर क्वेश्चन को एक फॉर्मूला बना के हाँ हम याद कर लेते हैं। नॉट रिक्वायर्ड। यार आपको लगता है डिस्कशन थोड़ा नहीं नहीं सर एकदम सही जा रहा है। मैं ये बोल रहा था जो फॉर्मूले है सर तो क्या नोट्स बना के हमको रखना चाहिए फॉर्मूले का। मैं क्या बोलता हूँ, अगर अभी आप गेट की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा गेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के। हाँ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो जी सर। अब उससे एक आइडिया लगेगा, उससे एक आइडिया लगेगा। और ऑलमोस्ट लोग बोलते हैं कि गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। हाँ सर। और वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं जो कहते हैं कि पैटर्न यार क्वेश्चन मतलब डेटा रिपीट नहीं होता। हाँ सर, डेटा रिपीट नहीं, डेटा रिपीट नहीं होता। और इनफैक्ट मैं बताऊं ऐसे कई क्वेश्चन है जो विथ डेटा भी रिपीट यस सर गेट में हुए हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू कि सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है आप कॉन्सेप्ट से बिल्ड सॉल्व कर लिए तो अच्छी बात है। मैं उनकी बात कर रहा हूं अभी, यहां पे थोड़ा सा ब्रेक देते हैं अपन। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। यस सर। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चन शायद आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे याद सॉल्व कर लोगे। यस सर। कुछ क्वेश्चन में आपको लगेगा कि यार ये वाला क्वेश्चन जो था इसके लिए ये फॉर्मूला है। राइट। अब हमने जो पॉइंट पूछा ना कि क्या फॉर्मूला मेरे को डिराइव करना चाहिए। हाँ सर। तो आप ये देखो कि फॉर्मूला आया कहाँ से। यस सर। कई बार आपको लगेगा तो फॉर्मूले की आवश्यकता थी ही नहीं। हाँ सर। ये तो बेसिक। यस सर। सर कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि आप फॉर्मूले से बनेगा लेकिन आप सिर्फ यूनिट जो यूनिट है अगर उसके साथ खेल दिए exactly, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। exactly, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको ये बात अपने कोचिंग में हर बंदे को हाँ सर पहला लेक्चर यही देता हूँ कि भाई यूनिट जो है ना हाँ सर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर। मैं 10th क्लास में था और 10th में था 9th में था मेरे मास्टर साहब यूनिट नहीं लिखता था तो पूरा ऐसा क्रॉस करके जीरो नंबर दे देते थे। अब बड़ी परेशानी होती थी मेरे को यार क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व किया हूं नंबर 10.9 सही आंसर है मैं लेके आया हूं। अब जूल है कि किलो जूल है वो नहीं लिखा तो 10.9 का तो नंबर मिलना चाहिए। यस सर। तो मेरे मास्टर साहब क्या बोलते थे कि यार भैया देख 10.9 की जगह तो 12.9 लिखता तब भी डिफरेंस 10% का होता पर 10.9 जूल की जगह अगर 10.9 किलो जूल लिख दिया तो भैया डिफरेंस 1000 का हो गया। यस सर। तो वो जो आप कह रहे हो कि यार सबसे पहली चीज तो किसी इंजीनियर को अगर सीखनी है तो दैट इज द डायमेंशंस। यस सर। सिली मिस्टेक होने का 70% कॉज। हाँ सर। आप डायमेंशन मैच नहीं करते। यस सर। एफिशिएंसी आपको निकालनी है। यू नो दैट द एफिशिएंसी इज द डायमेंशनलेस नंबर। यस सर। आप क्या कर देते हो एक साइड में आप ऊपर में पुट कर देते हो किलो जूल पर केजी और नीचे पुट कर देते हो किलो वाट। अरे प्रभु इतना तो आप देख लो कि यार किलो जूल पर केजी और डिवाइडेड बाय किलोवाट कैन नॉट बी अ डायमेंशनलेस नंबर। यस सर। तो जो आप कह रहे हैं ना कि डायमेंशन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं और डायमेंशन अगर मैं प्रॉपर मैच करूं ना तो मैं अपनी 70% यस सर सिली मिस्टेक्स को भी रिमूव कर सकता हूं। तो पहली चीज तो डायमेंशन ही है, यूनिट्स ही है। यूनिट के दो कारण है कि आप गेट के क्वेश्चन अगर उठा के देखोगे ना तो
बहुत सारे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको, बहुत सारे नहीं बोलूंगा मतलब एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? दो क्वेश्चन चार नंबर बहुत होते हैं सर, चार नंबर मतलब आपकी रैंक हो सकता है कि 10,000। अरे सर अभी सुपर 25 का जो अभी अपने पास लिस्ट आया ना उसमें तो देख के समझ में, एक एक नंबर के डिफरेंस में 500-500 का रैंक होता है, चार नंबर आपकी रैंक 10,000 ऊपर निकल जाएगी। यस सर। तो डायमेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन से आपकी सिली मिस्टेक रिमूव होती है, सिली मिस्टेक का मेजर कॉज जो होता है वो डायमेंशन होती है। यस सर। और दूसरा अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है आप डायमेंशन मैच कर लो, तो डायमेंशन मैच करके आप बोलोगे यार तीन आंसर तो नहीं होगा। यस सर। ये चौथा आंसर होगा। यस सर। वहां से भी आंसर निकलता है। यस सर। तो डायमेंशन पे कंट्रोल तो एक इंजीनियर को बिल्कुल चाहिए। यस। और एट द मोमेंट स्मार्टनेस, मतलब क्वेश्चन को देख के तुरंत अपने को अप्रोच तैयारी की होनी चाहिए। दैट कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस। यस सर। दैट कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस। यस सर। राइट। वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे हां सर उतना जल्दी आप उस प्रॉपर अप्रोच को फॉलो कर पाओगे। तो सर अभी अपन नोट्स के बारे में थोड़ा बात कर रहे थे, तो नोट्स अभी जो प्रिपेयर कर रहा है उसको बनाना चाहिए कि उसको रिफर करना चाहिए? बहुत सारा क्वेश्चन है क्या? नहीं सर ऐसा तो नहीं है। नहीं ऐसा है तो अपन एक और, ठीक है, आप क्या बोल रहे हो नोट्स के बारे में? हाँ सर। नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हाँ सर। वो अपनी बात बीच में इंटरप्ट हो गई थी। हाँ सर। आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ सर। ठीक है, इनिशियली आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्ट से बन गया ठीक है, जो नहीं बने इनको आपको लगता है कि फॉर्मूले से बने हैं तो उसको आप नोट डाउन कर लो। यस सर। बाद में कल जाके रात को उठ के पढ़ना कि ये एक्चुअली फॉर्मूला था क्या, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा तब तक आप उसको एज अ फॉर्मूला अपने नोट्स में लिख के रखो। राइट। और आप देखो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बुक्स में मिल रहा है क्या, क्योंकि अगर फॉर्मूला भी है तो दो तीन क्वेश्चन अपने को उसको सॉल्व करना है। सर। वो अपन ने सॉल्व कर लिया। राइट। तो वो फॉर्मूला भी अगर है तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। हाँ, साथ में जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वो भी आप फील करोगे यार ये फॉर्मूला था नहीं, ये तो ये फॉर्मूले से। हाँ, सर। मैं इसको आसानी से विद इन सेकेंड बिना याद किए डिराइव कर सकता। यस सर। यस सर। तो कुल मिला के बॉटम लाइन यही है कि अपने को प्रैक्टिस करनी है, और चार महीने जो अभी बचे हुए हैं तो मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि स्टार्ट विद द गेट क्वेश्चंस, लेकिन आप चार महीने का टाइम बेटा जो आपके पास में है उसको अपने ने वेस्ट नोट्स बना के लिख के उसको बर्बाद करने का कोई ज्यादा सेंस नहीं। नोट्स आप नोट्स बनाओ यार, बिल्कुल बनाओ। हाँ। नोट्स बनाना बहुत अच्छी आता है, लेकिन नोट्स वो होता है जो आप खुद से बनाओ। वो पीके नाक को कॉपी कर रहे हो। यस सर। तो वेस्टेज ऑफ टाइम है भाऊ। हाँ सर। तो पीके नाक से पढ़ लो। आप पीके नाक की चार लाइन पढ़ते हो, उसमें से जो बात आपको समझ में आती है आप हिंदी लैंग्वेज के हो हिंदी में लिख लो उसको। आप तेलुगु, आप तेलुगु में लिख लो उसको। कोई जरूरी नहीं है कि बुक की लैंग्वेज में ही आप उसको लोग, आपको जो बात समझ में आती है वो अपनी लैंग्वेज में लिखो, ताकि आप जब उसको रिवाइज करने जाओ yes, तो आप फट से उसको समझ सको। तो वो जब आप नोट्स बनाते हो, और मैं नोट देख के समझ में आता है मेरे को कि ये बंदा गेट निकालने वाला है, ये सिर्फ नोट्स बनाने वाला है। अच्छा। अगर आपने बुक एज इट इज कॉपी कर दी तो आप वेस्टेज ऑफ टाइम के सिवा कुछ नहीं कर रहे हो। आप चार लाइन पढ़े हो, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है वो क्वेश्चन को आप नोट्स में लिखो, विद क्वेश्चन लिखो। कोई फॉर्मूला है तो सिर्फ फॉर्मूला मत लिखो, फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई हुआ था वो क्वेश्चन लिखो। तो नोट्स बनाना तो है ही, वो तो जो बंदा पहले से प्रिपरेशन शुरू कर रहा है या अभी कर रहा है दोनों के लिए एडवाइजेबल है कि नोट्स तो आपको बनाना पड़ेगा। और वो नोट्स कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक नहीं होना चाहिए। हाँ सर। वो आपको जितना समझ में आया उसके हिसाब से आपने लिखना है। एग्जाम के चार दिन पहले आपको उसको पलट के देखने में कुछ समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि नोट्स देखो कुछ समझ नहीं आया फिर बुक खोले। और भी नोट्स देखे और आपने लगा दिया किताब ही लिखी हुई है। हाँ। या फिर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा बुक खोलना पड़ रहा है। ये लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। हाँ सर। आप तेलुगु में लिखो यार, आप मलयाली में लिखो, डोंट हैव एनी इशू। जो आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज में लिखो, ताकि आप खोलो और समझ जाओ वो पूरी कहानी। हाँ सर। जो आपने उस समय प्रिपरेशन के टाइम पे यस सर स्पेंड की थी, rather than कि फिर वो अरे ये क्या है यार इतना सारा लिख लिया समझ में कुछ आ नहीं रहा, फिर वापस जाके बुक पे। यस सर। और एग्जाम के टाइम पे अगर बुक खोल दिया, देखो मैं उस मुद्दे पे आना नहीं चाह रहा। हाँ सर। एग्जाम से 15 दिन पहले तो मेरे को किताब जो भी स्टैंडर्ड बुक में रेफर करता हूँ वो हाथ में आनी नहीं चाहिए, तब तक अपनी प्रिपरेशन उतनी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उस समय अगर आप स्टैंडर्ड बुक की तरफ जा रहे हैं हाँ सर, तो फिर तो वापस आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन। सर मतलब मेरे लंबा हो रहा है क्या बहुत? नहीं नहीं सर सही है सर। मतलब मेरे हिसाब से तो ना अभी तक तो ना जो लोग प्रिपरेशन पहले एक साल पहले कर चुके हैं ना उन लोगों का रिविजन शुरू हो जाना चाहिए। दिसंबर तक तो उनको धड़ल्ले धड़ल्ले टेस्ट दे। नहीं नहीं नहीं, अगेन आई डोंट एग्री।
जिनका प्रिपरेशन हो भी चुका है, हाँ सर, जो लास्ट ईयर कर चुके हैं, मैं उनको अभी भी बोलूंगा कि आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करो। हाँ सर, आखिरी के 2 महीने आपको गेट का प्रिपरेशन करना है। यस सर, वही दिसंबर जनवरी। अभी आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करो, सब्जेक्ट में जहाँ पे आपको लगता है कि कमजोरी है मेरी, वो कमजोरी को आप ओवरकम करो। यस सर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, क्योंकि अगर देख नींव सही होगी ना तो दीवार खड़ी होते हुए यस सर समय नहीं लगता। हाँ सर, तो गेट की प्रिपरेशन 2 महीने में। हाँ सर, जो मैं वही बोला ना कि जो आपके डाउट्स हैं कि यार सब्जेक्ट ये पढ़ा था मैं भूल गया, वो सब के लिए मैं 2 महीने में मैं करवा दूंगा। अभी आप सब्जेक्ट वाइज अगर, हाँ अगर आपने पहले से प्रिपरेशन शुरू करी हुई है तो आप सब्जेक्ट वाइज ही तैयारी करो। हाँ सर, अभी शुरू कर रहे हो तो फिर गेट के क्वेश्चन के साथ में आप स्टार्ट करो। यस सर, और अच्छा, और अच्छा मटेरियल भी रिफर करेगा आदमी तो जरूर उसका, मतलब जो भी अच्छा मटेरियल रिफर करने के लिए अच्छा टाइम भी चाहिए। हाँ सर, राइट। हाँ सर, अब अच्छा मटेरियल तो इतना सारा है। हाँ सर, राइट, तो उतना टाइम भी मेरे पास में होना, होना चाहिए। अब अगर 4 महीने की प्रिपरेशन करनी है, हाँ हाँ, तो अब सीधा सीधा नींव पे ध्यान नहीं देना है। हाँ हाँ समझ रहे हो। यस सर, अभी बस ऐसा है कि अभी 4 महीने के बाद पानी गिरने वाला है, हाँ, तो एक शेल्टर मेरे को बनाना है, उस समय नींव पे अभी ध्यान देंगे सर तो बारिश आ जाएगी। यस सर, और हम भीग जाएंगे, नींव खड़ी नहीं होगी। यस सर, ये नींव बनाने वाला काम उनका जो पहले से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, अभी भी कम से कम बारिश आने वाली है तो आप शेल्टर तो क्रिएट कर सकते हैं, और शेल्टर क्रिएट करने के लिए नींव की आवश्यकता, नींव पे उतना जोर देने की, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो 4 महीने में प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ हाँ सर, बाकी जो साल भर से किए हैं वो अपनी तैयारी करें, लेकिन 4 महीने में भी आप शेल्टर क्रिएट कर सकते हो। 4 मंथ इज नॉट अ लेस टाइम। यस सर, 4 मंथ इज सफिशियंट टाइम। Yes, अभी भी अगर आप लग जाओ तो हु नोस, यू माइट गेट ऑल इंडिया रैंक 1। तुमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, हाँ हाँ सर, कि हाउ टू गेट, इसी से खत्म करूंगा भी सर, अभी इसी से, यही आखिरी वाला आने वाला। 4 महीने, 4 महीना में यू मे गेट ऑल इंडिया रैंक 1। अभी आपको लग रहा होगा कि सर मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ प्रिपरेशन। हाँ सर, नहीं कोई बात नहीं, अभी तो मैं कर रहा हूँ शुरू प्रिपरेशन, मैं कैसे लाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ सर, गेट इज द वन डे एग्जाम। हाँ सर, अभी भी अगर आप शुरू करते हो तो आप में से पूछे थे कि हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1। हाँ सर, बोल रहा हूँ अभी 4 महीने में शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन। हाँ सर, माइट बी उनमें से भी, हाँ सर, कोई ऑल इंडिया रैंक 1 निकल सकता है, पर ऑल इंडिया रैंक 1 निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करना है, एंड दैट्स इट। और सर, मतलब आखिरी में आप अपनी तरफ से कुछ खास कुछ टिप्स देना चाहे जिससे कि हम अपना रैंक इंप्रूव कर सके। बहुत मैंने टिप पहली लाइन में दे दिया कि आई हैव टू कॉम्पीट विथ माइसेल्फ। यस सर, दैट्स इट। नेगेटिविटी आसपास आनी नहीं चाहिए। यस सर, नेगेटिविटी अगर लेके आओगे कि मैं कर पाऊंगा, अगर आज तुम शुरू कर रहे हो, 4 महीने का टाइम तुम्हारे पास में है, आई विल जस्ट आस्क यू कि बस फोकस। यस सर, आई विल गेट रैंक 1। यस सर, भले उसके लिए आइसोलेशन में ही क्यों ना रहना, आइसोलेशन में रहना पड़े, जो अपने को जो करना है वो करना है। यस सर, यार देख मैं किसी बंदे को नहीं बोलता तू 12 घंटे पढ़ या तू 15 घंटे पढ़, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार इंजॉय कर प्रिपरेशन को। हाँ सर, और दिमाग में रख कि मेरे को गेट फोड़ना है, मेरे को दिमाग गेट फोड़ना है, और लग जा प्रिपरेशन करने पे। रैंक जो आएगी वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन मेरे हाथ में। यस सर, और प्रिपरेशन अगर मैं निगेटिव एनर्जी के साथ में करूंगा, हाँ हाँ, कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मैं दोस्तों आपको सामने भी बोल देता हूँ, आप मत करो तैयारी। हाँ हाँ सर, अगर आपके दिमाग में हो, मेरी सेहत देख रहे हो ना, 60 किलो का आदमी हूँ, 60 भी नहीं है। यस सर, 58 kg। हाँ सर, और जब मैं कॉलेज में था ना तो 48 किलो का था। हाँ सर, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेंटल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है। कॉलेज में जब भी झगड़ा हुआ है, yes, sir, अरविंद राय हमेशा जाके मारा है। 48 किलो का आदमी लोग देख के डर जाते थे, 40 को मारेंगे तो मर जाएगा, जो भी रहा हो, पर अरविंद राय तो जाके मारता था क्योंकि उसको मरने की चिंता नहीं थी, उसको सामने वाले को मारना है। तो ये डिटरमिनेशन आप ले आओ कि गेट मेरे को निकालना है तो गेट खुलेगा। राय सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब बहुत सर, मतलब जो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 वाला था उसका तो आपने बहुत सही बताया, वो पॉसिबल नहीं है, वो अपने अपने
अंदर की कैपेबिलिटी, अपनी प्रिपरेशन, वो 3 घंटे में परफॉर्मेंस आपका कैसा रहता है, बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। सर उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से कुछ जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। उम्मीद है भाई लोग आपको पसंद आया होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और गेट मेंटर का भी यूट्यूब चैनल है, उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी वीडियो आएंगे, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। और ये तो कब से हो तुम ये रिकॉर्ड करते हो, वही आता है और तो कुछ नहीं है। तो चलो दोस्तों कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे अंकित के साथ में बैठा हूँ, चैनल में बैठा हूँ, कोई भी आपके डाउट हो, इश्यू हो, कोई अलग चैनल की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ बैठ के मैं अपने थॉट जो है वो शेयर कर लेता हूँ। और अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट एक ही चीज तुम लोग को बोलूंगा बेटा कि अपने ऊपर विश्वास रखो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेगेटिविटी को अपने पास मत आने दो। और ये ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 आप में से कोई भी लेकर आ सकता है, पर ऑल इंडिया रैंक 1 तो एक ही बच्चे का आएगा, उसका कोई फॉर्मूला है नहीं। आपने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करनी है, आप बस मेहनत करो ईमानदारी से। देखो अब एंड करना था तो मेरे को निकलना भी है चलो, लेकिन फिर भी मैं इतनी बात तो बोल के जाऊंगा कि यार मेहनत मैंने वर्ड यूज कर दिया। आप गेट का प्रिपरेशन शुरू करो, इट बिकम्स एंजॉयमेंट। यस सर, इट बिकम्स एंजॉयमेंट, वो मेहनत लगता ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि यार ये धीरू भाई अंबानी इतना बड़ा आदमी कैसे है, और सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये लोग इतना अच्छा कैसे क्रिकेट खेल लेते हैं, बिकॉज दे डू नॉट एफर्ट। यस सर, वो लोग मेहनत नहीं करते, दे एंजॉय। यस सर, तो वो एंजॉय करना शुरू करो, ऑल इंडिया रैंक 1 इज योर्स। यस सर, ठीक है, चलो भाई बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। अच्छा एक लास्टिंग, हाँ, जय जवान जय जवान जय किसान।